हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद प्रश्न। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी टू ए का क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारे पर्सनालिटी का सोल्यूशन किया हुआ वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नॉर्मल करें निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी एवं तीन पदी बहुपद को पहचान। आपको इसमें पहचानना है एक पद में कौन है, दो पद कौन है, तीन पदी बहुपद कौन है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है 9 9 क्या है, तो ए 9 एक पदी है, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है 7x³, तो ये कितना पद है, तो त्रिपदी नहीं होगा क्योंकि ये घात नहीं पूछ रहा है, पद पूछ रहा है, तो यानी कितने पद में है, तो ये भी एक पद, यानी कि एक पद ही है, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 7 + x³। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में प्लस और माइनस दिया हो, यानी कि प्लस और माइनस दिया हो, जितने भाग में उसको बॉर्डर हो जाता है, यानी कि जितने भाग में बांटेगा वह उतना पद में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक पद और ये एक पद, दो पद दो भाग में बांटा है, इसलिए दो पद हो जाएगा। तो ये आप सिंपल से बात गिन देख लीजिएगा कि ये कितना पद में गिन लीजिएगा, ठीक है। तो 7 और x³ है, तो यानी कि दो भाग में बांटा गया है, तो ये दो पद है, तो ये आप लोग द्विपदी हो जाएगा। ये कितना होगा, द्विपदी। देखिए यहाँ पर दिया है 3x² + 2x, यानी कि ये कॉप कितना पद है, एक पद ये, द्विपदी तीन पदी, तो यहाँ पर एक पद ये हो जाएगा और एक पद ये हो जाएगा, ऐसे गिन लीजिएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विपदी। देखिए यहाँ पर भी देखिए, इसको अगर आप काउंट कीजिएगा या गिनिएगा तो 1 2 3, यानी कि एक पद दो पद तीन पद, ये कितने पद में है, तो तीन पद में, तो ये त्रिपदी हो जाएगा। कितना पद है, त्रिपदी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये कितना पद में है, तो इसको भी आप गिन लीजिए। इसको देखिए, पहले ये भी 7x² है और ये 5x² है, तो ये दोनों अलग हो जा रहा है क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है बल्कि ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 7 और 5 12, अगर इसको कीजिएगा तो 12x² है, और ये कितने पद में है, तो एक पद में है, ये आपका कितना हो जाएगा, एक पद ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका एक पद ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जहाँ जुड़ने वाला होगा वहाँ जोड़ लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा कितना पद में है। अगर आपका क्वेश्चन दे देंगे कि 6x² + 2x² + 5, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 और 2 8x² + 5, तो ये कितना पद में है, तो दो पद में। आपको गलत करने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में दिया जा सकता है, तो दोस्तों आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि ये कितने पद में, एक पद में है कि दो पद में। अगर आपको दे दिया 6 + 7, तो आप कहिएगा एक पद और दो पद, ऐसे तो नहीं ना है दो पद, लेकिन ये दो पद नहीं होगा क्योंकि आप इसको जोड़िएगा तो ये 13 होगा, 13 क्या है, तो एक पद है, एक पद होगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद को पहचानें। उसमें हमने क्या पहचाना था, एक घात एक पदी दो पदी और तीन पदी पहचाना था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें रैखिक द्विघाती और त्रिघाती पहचानना। तो दोस्तों, रैखिक बहुपद वह पद होता है जिसका घात 1, यानी कि घात 1 तो लिखा नहीं जाता है लेकिन 1 रहता है, ठीक है दोस्तों। और द्विघातीय उस बहुपद को कहते हैं जिसका घात यानी कि पावर 2 होता है, वह द्विघातीय बहुपद कहलाता है, और जिसका पावर यानी कि घात 3 होता है, वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। तो देखिये दोस्तों, यहाँ पर x² + 3, ये कितना घात है इसमें, तो ये द्विघात है क्योंकि इसमें पावर क्या है, 2 है, यानी कि इसका घात क्या है, तो 2 है, तो द्विघातीय हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, 7x³ दिया, ये रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है, तो दोस्तों इसमें इसका पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय हो जाएगा। अगर यही आपसे ये क्वेश्चन पूछा होता है कि एक पदी है कि दो पदी है कि तीन पदी है, तो ये आपका कितना होता है, एक पदीय हो जाता है। यह अगर पूछता कि एक पदी है कि दो पदी है, तो दो पद है क्योंकि एक और दो पद है। चलिए इसमें ये इसमें कह रहा है कि 1 - x दिया है, तो ये आपका क्या है, एक रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है। तो दोस्तों हम बताएं आपसे कि 1 जो होता है पावर नहीं लिखा जाता है, एक्स के पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक। ये आप बात समझ लीजिए कि एक पद और रैखिक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, x³ - 4x + 1 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि त्रिघाती है कि द्विघाती है कि रैखिक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये y + y का
स्क्वायर प्लस फोर दिया तो ये कौन सा है, द्विघातिक है कि द्विघाती है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा, क्योंकि इसका घात यानी कि पावर क्या दिया है, द्वि दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, √5 − t² + 1/2 t, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, रैखिक की द्विघाती है, द्विघाती है, तो दोस्तों ये द्विघाती होगा क्योंकि इसका पावर क्या है, दो है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। अगर यही आपसे पूछता कि कौन सा पद है, यानी कि एक पद ही है कि दो पद ही है कि तीन पद ही, तो दोस्तों ये तीन पद ही हो जाता है, क्योंकि एक दो तीन, ये तीन पद ही हो जाता है, अगर घात पूछ रहा है तो द्विघाती है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दें, यानी कि ये जो बहुपद दिया गया है इसका एक एक उदाहरण आपको देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 25 घात के एक पदीय बहुपद लिखे, यानी कि एक पद का 25 घात वाला बहुपद लिखना है। तो दोस्तों एक पद वाला 25 घात का बहुपद आपको लिखना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आंसर दिया वो भी लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको कह क्या रहा है, 25 घात का, तो वाई का पावर 25 हो जाएगा, और ये पद क्या है, एक पद है, ये लिख सकते हैं, या 7t² भी लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, यानी कि एक पद में होना चाहिए और उसका पावर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो ये भी एक पद में है और इसका पावर 25 है, और ये भी एक पद में है और इसका पावर क्या है, 25 है। तो अपने मान से जो भी लिख सकते हैं वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये इसको रहने देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 घात का द्विपदीय बहुपद लिखे, यानी कि 15 घात वाला द्विपद आपको लिखना है। तो 15 घात में आप लिख सकते हैं 5u² 15, आप +4 लिख सकते हैं, या इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, या y² 15 लिख सकते हैं, और +3 लिख सकते हैं, या जो मन में आए वो लिख सकते हैं, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, और कौन पद में होना चाहिए, दो पद में होना चाहिए। आप जो भी लिखेंगे वही आंसर होगा, यानी कि आप पावर 15 होना चाहिए और दो पद में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, आपका ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करा कि 8 घात का द्विपदीय बहुपद लिखना, यानी कि जिसका पावर 8 हो और वह कितना पद में होना चाहिए, 3 पद में होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाई का पावर 8 लिख सकते हैं, +5y + 4, ये कितने पद में है, 3 पद में, और पावर क्या है, 8, यानी कि घात क्या है, 8 है। इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहाँ पे वाई का जगह आप एम भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए 0 घात का एक पदीय बहुपद लिखिए, यानी कि 0 घात का एक पदीय बहुपद 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 14 हो सकता है, 30 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 भी एक पद में, 7 भी एक पद में, 9 भी एक पद में, 14 भी एक पद में ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके अलावा आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, या अपने मन से जो मन करे वो लिख सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है एक पद में और इसका पावर क्या है, घात क्या है, 0, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है 2 घात का त्रिपदीय बहुपद लिखे, यानी कि 2 घात का वाई का पावर 2 लिख दीजिए, और 4y, 3 पद कह रहा है, +5, 3 पद में हो गया, 1 पद, 2 पद, 3 पद, और घात क्या कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, तो घात 2 हो गया। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं m के पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर m लिख सकते हैं, और यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और पद कितना होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं, कह रहा है कि 4 घात का द्विपदीय बहुपद लिखे, यानी कि दो दो पद में लिखना है और पावर क्या होना चाहिए, 4। यहाँ पर देख लीजिए पावर 4 हो गया और ये 2 पद में हो गया। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं आप, m के पावर 4, आप +9 भी लिख सकते हैं, ये आपका ये भी आंसर लिखिएगा तो सही है, ये भी आंसर लिखिएगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, या बुक में जो दिया वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।